सौराष्ट्र और बंगाल की टीम के बीच 9 मार्च से रणजी ट्रॉफी 2019-2020 का फाइनल मैच खेला जाना है। इस महामुकाबले के लिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मांग की थी कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलने की अनुमति दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। BCCI ने जडेजा को रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल BCCI ने कंट्री फर्स्ट पॉलिसी के तहत रविंद्र जडेजा को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में उतरने की इजाजत नहीं दी। इस बारे में गांगुली का मानना है कि देश पहले है न कि घरेलू क्रिकेट, यही कारण है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की मांग को BCCI ने दरकिनार कर दिया। हालांकि इस फाइनल में भारतीय टीम के दो सितारे खेलते नजर आएंगे, जिसमें चेतेश्वर पुजारा है, जबकि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान। दरअसल सौराष्ट्र की टीम के लिए 9 मार्च से 13 मार्च तक खेलने जाने वाले इस फाइनल मैच में चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे, जबकि बंगाल टीम को उनके अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा का साथ मिलेगा। वहीं जडेजा इस बीच भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। यही कारण है कि उनको BCCI ने रणजी ट्रॉफी के लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि वो नियमित रूप से भारत की वनडे टीम का हिस्सा है। अब ये पॉलिसी शायद कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन हर किसी को ये लगता है कि दादा ने यहाँ पर जडेजा को इजाजत जानबूझकर नहीं दी। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।